देश में जाति श्रेष्ठता के नाम पर बहुसंख्यकों की हो रही हकमारी। आजादी के 75 साल बाद भी खुद को श्रेष्ठ बताने का भूत नहीं उतरा कथित ऊंची जाति वाले बहुरूपियों का। मध्य प्रदेश की स्वराज सरकार केवल जाति के आधार पर ब्राह्मणों पर लुटा रही सरकारी खजाना। क्या ऐसे ही बनेगा भारत में समता मूलक समाज? क्या यही है भाजपा का सबका साथ सबका विकास? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनित आवाज। मैं हूं ब्रजमोहन, आपके लिए हर जरूरी पहलुओं पर खबर लाता रहता हूं। फिर आप क्यों रहते हो मौन? जी हां साथियों, आपके हक की आवाज को और भी बेहतर तरीके से उठा सकूं, इसके लिए आप भी हमारा सहयोग कीजिए। हम बताएंगे कि देश को कौन लूट रहा है, आपके हक को कौन छीन रहा है। इसके लिए आपको हमारे वीडियोस को अंत तक देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना चाहिए। ऐसा करने से हमें आगामी टॉपिक पर नया वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा मिलती है, हमें हिम्मत आती है कि आप हमारे साथ हैं। तो देर किस बात की, कमेंट करके फटाक से बताइए कि आप हमारे साथ हैं या नहीं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो साथियों, बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण विषय की। अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और खुद को पिछड़ों का मसीहा समझने का भ्रम अपने दिमाग में पाले रहने वाले हम और आप सभी के कथित मामा शिवराज सिंह चौहान ने परशुराम जयंती पर एक घोषणा की है। इस घोषणा के बाद यह साबित हो गया है कि हमारे प्यारे शिवराज मामा और भाजपा कितने पिछड़ों के हितैषी हैं। कभी उत्तर प्रदेश में बहुजन महापुरुषों के पार्क बनाए जाने पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती पर सरकारी खजाने लुटाने और अखिलेश भैया की सरकार को यादव हितैषी का प्रमाण पत्र देने वाले संकीर्ण विचारधारा के भाजपाई संघी और जातवादी लोग मामा शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा के बाद खुश क्यों नजर आ रहे हैं? मैं आज आपको इसी खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं। आप सब कुछ समझ जाओगे। पहले आप वन इंडिया हिंदी न्यूज पोर्टल में छपी इस खबर को देखो। इस खबर में लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, मंदिर के पुजारियों को मिलेगा 5,000 रुपए मानदेय। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार हुई जाति विशेष के आगे नतमस्तक। वहीं नव भारत टाइम्स में छपा है कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऐसे मंदिर जिनके साथ कोई भूमि या संपत्ति नहीं है, उन मंदिरों के पुजारियों को 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। कई मंदिर ऐसे भी हैं जहां बड़ी मात्रा में जमीन है, ऐसे मंदिरों में उस जमीन से ही मानदेय की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी मंदिर की जमीन सरकार नीलाम नहीं करेगी, यदि जमीन नीलाम करेंगे तो पुजारी ही करेंगे। मंदिर की जमीन न बिके इस पर सुझाव के लिए समिति गठित की जाएगी, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संस्कृत पढ़ाने वाले कर्मकांडी विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। संस्कृत पढ़ने वाले जितने भी बालक हैं उनके लिए छात्रवृत्ति प्रारंभ की जाएगी। तो सुना साथियों, मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह सरकार ने कहा है कि कोई भी मंदिर की जमीन को सरकार नीलाम नहीं करेगी। काश ऐसी समिति सरकार तमाम प्रदेशों की सरकार और केंद्र सरकार के लिए बना सकती, जिसमें सरकारी खजाने को बेचने पर अंकुश लगाया जा सकता था तो आम आदमी के लिए कितनी राहत भरी खबर होती। लेकिन ऐसा नहीं है, यह जो भी कुछ किया गया है एक विशेष जाति को फायदा पहुंचाने के लिए शिवराज सिंह सरकार ने यह फैसला लिया है। साथियों, यह थी वह खबर जिससे साबित होता है कि सरकार को आम आदमी के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। शिवराज सरकार केवल जाति और वर्ग विशेष के लोगों के आगे पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है, और करेगी भी क्यों ना। इस सरकार का एजेंडा ही ब्राह्मण व्यवस्था को मजबूत करना है। तो साथियों, अब सोचना आपको है कि आपका भला कैसे हो सकता है, देश समृद्ध कैसे बन सकता है, हमारा राष्ट्र, हमारा देश सशक्त राष्ट्र कैसे बन सकता है, आपको रोजगार कैसे मिल सकता है, आपको सुरक्षा कैसे मिल सकती है, देश प्रदेश से भय का माहौल कैसे दूर हो सकता है।
स्कूल कॉलेज में तंत्र मंत्र भूत विद्या पढ़कर विकसित समाज और राष्ट्र की कल्पना कैसे की जा सकती है। जिन किताबों में सिवा मार काट बलात्कार छेड़छाड़ महिलाओं के प्रति क्रूर सोच ऊंच नीच और हकमारी के अलावा और कोई बात ही न की गई हो, ऐसे कर्म कांडों और ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले लोग हैं, वो समाज में क्या बदलाव लाएंगे। आप भी अपना कमेंट करके अपना सुझाव अपना उत्तर हमें जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना न भूलें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।